प्रियो, ऐसी एक बात बाइबल में हम सभी को पढ़ने को मिलता है। आप जाकर आयुब की किताब में उसका पहला अध्याय 21 वचन जाके पढ़ेंगे तो वहां पर एक बहुत बड़े एक भक्त, परमेश्वर के एक भक्त ने एक बहुत खूबसूरत बात बताते हैं। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकल आया, नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जीवन में कई सारे खुशियां, कई सारे आराम की जिंदगी हम खूब अच्छे रहते हैं, उस समय में हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर ने मेरे लिए दिया, परमेश्वर ने मेरे लिए दिया, ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा किया, ईश्वर ने आशीष किया, ईश्वर ने मेरे लिए भला किया, सब कुछ सोचते हैं, सब लोग यही सोचते हैं। जब जीवन में मुश्किल आ जाता है, जब जीवन में समस्या आ जाता है, जब जीवन में सारे खुशियां लौट जाते हैं, जब जीवन में जो पहले के जीवन से बहुत ही अलग किस्म का जो जिंदगी हमारा आ जाता है, उस समय में हम यही सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे क्यों आना चाहिए, मुझको ये सारा बीमारी क्यों आना चाहिए, मुझको ये सारा समस्या, मुझको ये सबके लोग क्यों छोड़ना चाहिए, इतने लोग तो है, केवल मुझे क्यों आना चाहिए। बहुत आप लोग हार जाते जीवन में, लेकिन आपको एक्टर एश का एक बात को तुम्हारे जीवन में अंगीकार करना होगा। दुनिया में सबसे एक बहुत ही पुराना एक गेम है, आप सभी को पता होगा, वो लंदन और इंग्लैंड में खेला जाता है। उस गेम है कि विंबलडन टेनिस गेम। उसमें सिंगल टेनिस खेलते हुए अपने चैंपियनशिप को क्या करते हैं, वो कप जीतना पड़ता है। जो जीतने वालों को करोड़ों रुपए के हिसाब से क्या किया जाता है, इनाम दिया जाता है। उसमें से एक व्यक्ति था जो विंबलडन टेनिस प्लेयर है, उसका नाम है आर्थर एश। आप में से कुछ लोगों को पता होगा इनका नाम। प्रियो, इन्होंने अपने 49 के उम्र में एक एड्स बीमारी के रिलेटेड निमोनिया के वजह से अपने जान को इस संसार से वो छोड़ के जाना पड़ा। उस व्यक्ति बहुत खूब अपने नाम से एक ट्रस्ट ओपन किए, कई सारे उन्हीं HIV एड्स बीमारी लोगों के लिए कुछ अवेयरनेस संस्थाओं को ओपन किए। जब वे संसार में जब जिंदा थे, उनके खूब कई सारे फैंस थे, सारी दुनिया के हर कोने से, दुनिया के हर कंट्री से उनको कई सारे लेटर्स उनके नाम से उनके पास पहुंच गया। वो लेटर्स ऐसे पहुंच गया, आर्थर एश, आपको एक HIV एड्स बीमारी क्यों आना था, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। क्योंकि आर्थर एश को एक बाईपास सर्जरी हुआ, उसमें से जब ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है उसके द्वारा उसको इस निमोनिया बीमारी आकर उनके जीवन को बहुत ही खतरा आना पड़ा। तो उस समय में कई सारे लोग उसको एक सवाल पूछे, आर्थर एश आपको इस बीमारी क्यों है। तब वो हर एक एक व्यक्ति का जो सवाल का वो देखा, तो कई सारे लोगों का एक सवाल ऐसे ही था कि आपको ये बीमारी क्यों है, आपको ऐसे क्यों होना चाहता। तब उन्होंने उन सभी लोगों को एक जवाब देते हैं, बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं वो लोग। वो जवाब ऐसे देते हैं, देखिएगा, लगभग 5 करोड़ लोग जो इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं, 5 करोड़ लोगों में से फाइनल तक 2 लोग आ जाते हैं, क्योंकि एक ही कप रहेगा, एक ही आदमी जीतना पड़ेगा, तो 2 लोग आ जाते हैं सेमीफाइनल तक। फाइनल में जो मैंने इस कप को जीत लिया, तब मैं ये नहीं सोचा कि ये कप मेरे लिए क्यों है। जब कप मैंने जीत लिया, मैंने ये नहीं सोचा ये कप मेरे लिए क्यों है, तो मैं अब क्यों सोचूं कि ये बीमारी मेरे जीवन में आया है, कि बीमारी मेरे लिए क्यों आया है करके मैं अभी क्यों सोचूं। उस आर्थर एश ने ऐसे जवाब दिया सभी लोगों को। आर्थर एश, उन्होंने बाइबल को सच में पढ़ते थे, उनको पता था जब मैं अच्छा रहता हूं उस समय में भी मैं परमेश्वर कुड़कुड़ाट नहीं करना है, मैं कुछ नहीं बोलना है। जब मेरे जीवन में बुरा हो जाता है उस समय में भी परमेश्वर के विरुद्ध में बात नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो, भलाई हो या मेरे साथ बुरा हो, परमेश्वर को धन्य हो। यहां पर भी एक भक्त यही सोच रहे कि मेरे जीवन में मैं जब माँ के पेट के अंदर से जब निकला, तो मैं तो नंगा निकला, कुछ भी नहीं था मेरे पास। जब मैं मर के लौट के जाऊंगा, जब मर जाऊंगा तभी भी मैं नंगा ही जाऊंगा, मैं कुछ लेके जाने वाले नहीं है। क्योंकि ये जो बात यहां पर बताया आयुब करके बाइबल में, आयुब एक टाइम में ये अरबोपति, उच्च देश में एक बहुत ही करोड़ों अरबोपति था उस समय में। उसके लिए कुछ गधा का कमी नहीं था, घोड़ाओं का कमी नहीं था, बैल का कमी नहीं था, बकरी का कमी नहीं था, धन संपत्ति का कमी नहीं था, कुछ भी उसको कमी नहीं। उस देश में बहुत बड़ी अमीर आदमी था उसने। शैतान ने उसके जीवन में एक फरकने के लिए, उसको परमेश्वर से दूर करने के लिए, उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति एक छोटा सा बात
ज्ञान निकल सकता है उसको फरकने के लिए, उसको देखने के लिए और परमेश्वर के दिल को दर्द देने के लिए शैतान ने प्लान किया। और एक ही दिन जितने भी अरबों रुपया था आयुब का, वो सब कुछ नाश हो जाता है, सब कुछ नाश हो जाता है। तो उस समय में उसके आखिरी पत्नी आ जाती है, पत्नी बोलती है, अरे तुम तो गलत कर दिए हो, सब कुछ परमेश्वर छोड़ दिया, हमारा हाथ छोड़ दिया है, चलो हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। तब इस बात को आयुब ने बताता है, मैं माँ के पेट से नंगा आया, फिर मैं जब मर जाऊंगा तभी भी मैं क्या करूंगा, नंगा ही चला जाऊंगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे जीवन में अगर आपके जीवन में कुछ भी अगर जीवन में समस्या है, दुख है, बीमारी है, कष्ट है, मुश्किल है, कोई भी अगर फेलियर है तुम्हारे घर पे, ऐसी स्थितियां रहता है कि आप उसको देख नहीं पाते हैं, रोज आपके हृदय बहुत ही दर्द महसूस हो जाता है, उस समय में इन बातों को आप हमेशा याद रखना। क्योंकि इस समय में आपको यही बात याद आना चाहिए कि मैं जब अच्छा रहता हूं तो परमेश्वर को धन्यवाद, जब मेरे साथ बुरा भी हो जाता है तो परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियो, इस संसार में आपको कष्ट है, इस संसार में आपको मुश्किल है, इस संसार में आपको परेशानी है, इस संसार में आपको बीमारियां हैं, लेकिन परमेश्वर के बात हमेशा आपको क्या करता है, आपको हिम्मत देते रहता है। और परमेश्वर के बात के द्वारा आप हिम्मत से क्या करते रहना है, दौड़ते रहना है, तब परमेश्वर ने आपके जीवन के द्वारा बहुत ही खुश हो जाते हैं। करोड़ों लाखों अरबों लोगों के लिए आर्थर एस ने यही जवाब दिया, 5 करोड़ लोगों में से खेलते 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 सेमीफाइनल में 2 लोग आ जाते हैं, उसमें से फाइनल में मैंने 1 जीत लिया, यानी कि 5 करोड़ लोगों में से मैं जीत लिया कप को। जब कप मेरे हाथ में आ गया तभी ये नहीं सोचा कि कप मेरे लिए क्यों है, तो मैं अभी क्यों सोचूं, जब एड्स बीमारी मेरे जीवन में आया है, जब निमोनिया बीमारी मेरे जीवन में आया है, तो मैं क्यों सोचूं कि इतने लोगों को छोड़कर मेरे जीवन में क्यों आया है, मैं ऐसे सोचूंगा नहीं, आएगा। इंसान जब रहता है, इंसान को ही तो कष्ट आ जाता है, मुश्किल आ जाता है, समस्या आ जाता है, बीमारी आ जाता है, ना सारा मनुष्य को आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो रहेगा, फिर से परमेश्वर तुम्हारे जीवन को क्या करेंगे, बदलेंगे, फिर से तुम्हारे जीवन में परमेश्वर एक रोशनी लाएंगे, फिर से तुम्हारा जीवन एक खूबसूरत बनाने के लिए परमेश्वर तैयार रहते हैं। इसलिए बीच में कभी भी परमेश्वर को आप क्या करना, नाराज होने का काम को या नाराज होने के बातों को तुम्हारे जीवन में कभी भी कल्पना में भी आप सोचिएगा ना मत।